My name is Furqan from North Kashmir, Sopore town, which is most violated area, North Kashmir, Sopore town. और मेरी एज 20 इयर्स हैं, 20 इयर्स हूँ मैं. मैंने नेशनल्स खेले हैं, कैरम नेशनल्स, कैरम प्लेयर हूँ मैं. और मैंने इस कैरम से पहले स्कीइंग भी की है, चेस भी खेला है, और चेस में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, स्कीइंग में भी खेला है. और जो कैरम में मैंने नेशनल भी खेला है, स्टेट भी खेला है, डिस्ट्रिक्ट भी खेले हैं. तब जब वहाँ से आके, नेशनल से आके, जब मैं कश्मीर वापस आया, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट पे नज़र मारी, अपने नॉर्थ कश्मीर पे नज़र मारी कि मेरे से भी और ज़्यादा टैलेंटेड हो गए डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ कश्मीर में. मैंने देखा और मैंने सर्च करने के लिए मैंने एक हम दो तीन लड़के मैंने लिए. पहले उनको नेशनल्स के लिए लिया, अपने फ्रेंड्स को नेशनल्स के लिए लिया. और उसके बाद वहाँ से आके एक डिस्ट्रिक्ट कैरम क्लब बारामला के नाम से एक क्लब खोला, जो कि रजिस्टर्ड किया स्पोर्ट्स काउंसिल बारामला में. फिर धीरे धीरे जब बढ़ता गया, एक इवेंट भी, टूर्नामेंट किया हमने. टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे कश्मीर में, टैलेंट की कमी नहीं है. यूथ में टैलेंट भरा हुआ है, पूरी टैलेंट भरा हुआ है. सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है. चाहे फिर यूथ फंसी हुए हैं किसी सोशल लेवल में, इट मे बी ड्रग एडिक्शन, इट मे बी स्टोन पेल्टिंग या और कोई चीज़ हो, इससे निकालने के लिए इसको उनको प्लेटफॉर्म देना, उनमें जो टैलेंट है वो शो करें, वो टैलेंट वो उसको एक्सप्लोर करें. उनको एक्सप्लोर करना है वो टैलेंट, उनको प्लेटफॉर्म देना उस टैलेंट को, वो ताकि वो भी अपनी लाइफ जी सके, अपना अपनी अपनी जो अपनी अचीवमेंट्स ला सके उस टैलेंट के लिए. यूथ में टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ये ताकि यूथ, आज की जो यूथ है सोशल लेवल्स में है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, इट मे बी स्टोन पेल्टिंग है, या किसी और चीज़ में लगी हुई है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया. मगर ये चीज़ है कि हमें वो उतनी पावर्स नहीं है, हम इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं. यूनाइट कश्मीर में हमने जो इनिशिएटिव लिया, हम स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिया है, हम सारे स्टूडेंट्स हैं. इसमें हमारे पास वो वेल्थ नहीं है, हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम इसको अपलिफ्ट करें, हम यूनाइट कश्मीर को अपलिफ्ट करें ताकि सोसाइटी को फ़ायदा आए हमारे से.